हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हो, आपका चैनल जो ALLD2HEL जो था वो चेंज होके टारगेट गूगल बन गया है। अगर नाम अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। इस साथ साथ आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, चैनल पर चाहिए तो सब्सक्राइब भी हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ उसमें दो चीज़ है और जो काफ़ी ज़्यादा ट्रूथ है। अगर आप इन दो चीज़ों पर बात करते हो, अगर बेसिकली अगर आप एटमॉप का देखते हो या आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखते हो, तो उसके दो रास्ते होते हैं। एक शॉर्ट तरीका होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म में आपकी अर्निंग जो है सेफ रहती है और आपको ज़्यादा टीम ताम नहीं करना पड़ता, आपको ज़िंदगी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्ट वाला तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बिजी रहना पड़ेगा, उसको साथ साथ आपको दिन भर टेंशन रहेगी कि कहीं ब्लॉक ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ दो ही रास्ते होते, तो उसको दिखाने से पहले मैं आपको दो ठो अर्निंग यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाए। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसमें यस्टरडे की $3 है, आज का $5 है और $21, ठीक है, दिस मंथ। और अभी आप देख सकते हैं आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख मतलब कि 21 दिन में इसमें जो है इतना डॉलर हो गया। हाँ, बेसिकली 21 दिन में नहीं हुआ है, ये हुआ है आप देख सकते हो 14। मैंने इसको स्टार्ट किया था 13 सितंबर को स्टार्ट किया था, तो आप समझ सकते हो मुश्किल से 7 दिन चला है अकाउंट, 7 दिन में इतना बन गया। और ये किस तरह हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक ये है, एक ये मेरी, ये मैंने दूसरा क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये दूसरा अकाउंट है, इसमें जो अगर आप अर्निंग देखोगे तो इसमें काफ़ी डाउन है उसके मुकाबले जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो अभी मैंने 7 दिन में चलाया। अगर आप उससे कंपेयर करते हो इसके 7 दिन से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो काफ़ी डिफरेंट है। तो यही आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि दो तरीका है, लेकिन दोनों में एक चीज़ का अंतर है कि एक में सस्पेंड होने का डर नहीं है और एक में सस्पेंड होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वो रहे कि हाँ सही है। तो इस वीडियो में बेसिकली जो दो तरीके होते हैं उनको यूज़ करना, उनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर आप वर्क करना चाह रहे हो या आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये दो चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। तो इस वीडियो में बेसिकली हर चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एडमॉप से ग्रुप अर्निंग करते हो, तो देखो यार ग्रुप अर्निंग में बहुत मेहनत होती है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका खुद का ग्रुप बने, तो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। उसमें एक दिक्कत ये रहती है, मेन जो दिक्कत आती है वो तब आती है जब आपके अकाउंट में इनवैलिड क्लिक ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अगर कोई ज़बरदस्ती क्लिक कर रहा है या उसका डर होता है, तो उसके जैसे भी अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के काफ़ी ढेर सारे तरीके होते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, इसमें अगर आपकी ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसमें ये आपको करना पड़ता है कि आपको जब शॉर्ट टर्म में अर्निंग हो रही है, तो आप बेसिकली उस अर्निंग को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि जहाँ से आपकी अर्निंग परमानेंट और लाइफ टाइम बने। तो जैसे कि आपको ये मैंने जो दूसरा दिखाया था, जिसमें मेरी जो है अर्निंग कहाँ गया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो मैंने इसको ओपन किया है, इसमें देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको यहाँ पर इसमें लास्ट 30 डे करता हूँ, तो आप इसमें सिर्फ एक महीने का देखिएगा कितना बना, तो सिर्फ $43 है, उसमें $123, तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप चाहो तो प्ले स्टोर पर अपलोड करके उसमें सुकून से कमा सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सुकून से अर्निंग होगी और धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। और एक होता है तरीका कि आप जो है ग्रुप में खुद का बना लो ग्रुप, तो दोनों तरीका होता है। लेकिन ग्रुप वाले में ये है कि आपका परमानेंट नहीं चल सकता, और परमानेंट चलने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा आपके पास कमांड होना चाहिए संभालने के लिए ग्रुप को। तो दो तरीके होते हैं अर्निंग करने के, तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली यही दिखाने के लिए बनाया था कि आपको पता चल सके कि किस हिसाब से अर्निंग तेज हो सकती है। लेकिन आप इस मेथड को परमानेंट नहीं यूज़ कर सकते, और ना ही मैं प्रमोट करता हूँ ये सब चीज़ों को। लेकिन बेसिकली देख रहा था सबको, तो मुझे लगा था शायद अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको वर्क भी करते हो, तो इन्वेस्ट करके आप काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन तरीके से पैसे भी कमा सकते हो, और जिसमें आपका इन्वेस्ट भी कम रहेगा और फ़ायदा भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है इसको यूज़ करने का। साथ साथ अगर आपको जानना है कि कैसे एप्लीकेशन को वायरल करके आप मेरे तरह अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो सुकून से अगर अर्निंग करना चाहते हो, तो वो तरीका। और ख़ासकर ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये आता है कि अगर आपका अकाउंट जो है एक बार सस्पेंड हो गया ना, तो जितना भी अपना अकाउंट बनाओगे वो धीमे धीमे सस्पेंड हो जाएगा, भले ही $10 या $20 या $0 पे सस्पेंड हो जाता है। तो अगर आपको ये भी तरीका जानना है कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो दोबारा किस तरीके से बनाएं, तो ये सब जानने के लिए आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक
एक एक कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और यही एक इंफॉर्मेशन देना चाहता था क्योंकि बहुत लोग अर्निंग दिखाते थे, तो मुझे भी लगा शायद ये आपको दिखाना चाहिए कि किस हिसाब से किस तरह की अर्निंग हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अर्निंग करना चाहते हो। और साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी, वहाँ से ज्वाइन होकर मेरे साथ बात कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।